नमस्कार, मैं कुंदन पांडे मोंगाबे हिंदी से। आजकल देश के विभिन्न जंगलों से आग लगने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में सरिस्का की से खबर आई, वहां आग लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ के वनों में भी व्यापक आग लगी हुई है और वहां से जीव जंतुओं के जलते खुद को बचाने की कोशिश की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो काफी परेशान करने वाली है। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आलोक प्रकाश पुतुल जी, जिन्होंने इस विषय पर विस्तार से लिखा है। तो आलोक जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपने हाल ही में कई सारे मतलब इस मुद्दे को समझने के लिए आपने जंगल और वन विभाग के अधिकारियों से बात किया और आग लगने की समस्या पे भी आपने नजर बनाए रखा। आपको क्या लगता है, यह समस्या कितनी विस्तृत है, कितनी गंभीर है छत्तीसगढ़ की? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो एक छोर है वो है रामानुजगंज, और छत्तीसगढ़ का दूसरा छोर है सुकमा। तो ये जो दो जिले हैं, इन दो जिलों के बीच का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जंगल का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से आगजनी की खबरें लगातार नहीं आ रही हैं। चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया हो, सभी इलाकों में आगजनी की घटनाएं एक के बाद एक लगातार सामने आ रही हैं। और पिछले एक महीने का आंकड़ा भर अगर देख ले हम केवल मार्च के महीने में, तो लगभग 13,000 से ज्यादा मामले आए हैं। मतलब ये कि लगभग हर दिन 400 450 इलाकों में आगजनी की घटनाएं हैं। इसमें जो मैं आज ही आंकड़े देख रहा था कि आज जो फायर का जो बड़ा हिस्सा है, जो जिन जिनको हम कहते हैं कि बड़े दायरे वाले आगजनी के जो मामले हैं, वैसे 43 मामले जो हैं आज हैं। छोटे मामले अगर देख लें तो 150 से ज्यादा इलाकों से ये खबरें आ चुकी हैं कि वहां आग लगी हुई है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि शाम होते होते तक आग के ये आंकड़े और गहराएंगे। ये आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, आंकड़े गहराते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में छत्तीसगढ़ सरकार या वन विभाग को दिक्कतें आ रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा मामला तो यही है कि जो मैदानी अमला है, जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो बिट गार्ड है, जो भृत्य हैं और बाकी जो लोग काम करने वाले लोग हैं जो असल में मैदान पे होते हैं, ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल को अब लगभग एक महीने होने को आ जाएंगे कुछ दिन के भीतर, और अब तक जो है ये अमला मैदान पर नहीं पहुंचा है। तो जाहिर तौर पे मैदान पे ये अमला नहीं है, तो मैदान पे वो लोग हैं जो अब तक मैदान पे कभी नहीं थे, जो DFO हैं, जो CCF हैं, वो जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ आग बुझाने काम में लगे हुए हैं, तो न तो वो प्रशिक्षित हैं, ना उनके पास इसका आग बुझाने का कोई अनुभव रहा है पुराना, और ना वो इसमें पूरी तरह से सफल हो पा रहे हैं। ऐसे कठिन समय में जब छत्तीसगढ़ के वनों में इतनी व्यापक आग लग रही है या लगने की खबर आ रही है, ऐसे समय में मैदानी अमले का हड़ताल पे जाने का मतलब कोई खास वजह जी, इसके? ये जो ये जो मैदानी अमला है, ये पिछले जब से राज्य बना है, 21-22 साल हो गए राज्य बने हुए, मैदानी अमले की अपनी जो जरूरतें हैं, पेंशन से जुड़ा मामला है, उनके वेतन वृद्धि से जुड़ा मामला है, उनके प्रशिक्षण से जुड़ा मामला है, उनकी वर्दी से जुड़ा मामला है, उनके पदनाम से जुड़ा मामला है, जिनको सारी सरकारें हर बार स्वीकार करती रही हैं कि ये बिल्कुल जायज मांग है। सरकार कभी नहीं कहती है कि ये नाजायज मांग है, बिल्कुल वाजिब मांग है। सरकार हर बार वादा करती है कि इनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। वो ये जो कर्मचारी हैं, वो जो वेतन मांग की मांग कर रहे हैं, या पदनाम की मांग कर रहे हैं, या वर्दी की मांग कर रहे हैं, तो ये दूसरे राज्यों में पहले से ही लागू हैं। राज्य सरकार भी बार बार कहती है कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता। तो बार बार
की चेतावनी के बावजूद जब सरकार ने इस पर अमल नहीं किया, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो फिर ये कर्मचारी हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हुए हैं। सरकार अभी भी कह रही है कि हम मांगे मानने के लिए तैयार हैं। कर्मचारियों की मांग इतनी भर है कि सरकार लिख कर दे, इस बार का वायदा जो है वो मौखिक वायदा नहीं चलेगा, सरकार लिख कर दे, मियाद तय करे उनकी मांगों को लेके, इसलिए हड़ताल पे हैं। और आश्चर्यजनक रूप से इस हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए अब डिप्टी रेंजर और रेंजर स्तर के कर्मचारी भी आ चुके हैं। यहाँ का जो राजधानी रायपुर में जो वन कर्मचारियों का पूरा जो अमला है मंत्रालय में बैठने वाला, उसने चेतावनी दे रखी है कि अगर सरकार ने इन मैदानी अमले के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो वो भी हड़ताल पे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसी संदर्भ में जैसा कि आपने अपनी स्टोरी में भी लिखा था कि बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जंगली जीव जंगल से भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए क्या आपको मौका मिला यह पूछने का जो लोग हड़ताल पे हैं उनके मुखिया उनके नेता से कि इस कठिन समय में हड़ताल को क्या वो जंगल के प्रति कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं या यह कठिन समय उन्होंने क्यों चुना, ऐसा उनका क्या पर्सपेक्टिव? देखिए, मैदानी अमले के लिए तो पूरा साल जो है वो चुनौती से भरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी महीने उनके हिस्से कम काम हो। अगर जंगल में आग नहीं है तो फिर पौधे बढ़ाने की कूप कटाई से लेके शिकारियों तक को रोकने का या जंगल के जो तस्कर हैं उन पे काबू करने का, तो उनके हिस्से चुनौती भरा काम हमेशा होता है। रही बात जंगल से जानवरों की मुश्किलों को लेके, तो मैंने ऐसे कई भयावह वीडियो देखे हैं जिसको लेके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने जलते हुए पंछियों को देखा है, ऐसे पंछियों को देखा है कि जो अपने अंडे छोड़कर भागना नहीं चाहते, जले हुए हिरण के बच्चे जो है वो भाग रहे हैं, भालू शहर के बाहर शहर की इलाके में जो है वो घुस रहे हैं, तेंदुए भाग रहे हैं। तो ऐसे कई वीडियो मैंने देखे, जंगल के इलाके में जाकर मैंने कुछ देखा। जो अमला हड़ताल पर है वो भी इन इन घटनाओं से दुखी है, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जंगल हमारा है, हमने इनको बड़ा किया है, जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनसे भी हमको इतना ही प्यार है, लेकिन आखिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के हम जंगल बचाएं ये कब तक संभव होगा। वो बार बार सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगे आप लिखित में स्वीकार कर लें, हमारी मांगों पे कोई मियाद तय कर दें, हम जल्दी से जल्दी लौटना चाहते हैं। लेकिन सरकार भी शायद अड़ी हुई है, ये समझ में आ रहा है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि सरकार शायद आने वाले कुछ दिनों में इन कर्मचारियों पर एस्मा लगाए, अनिवार्य रूप से काम पर लौटने की जो कानून है वो इन पर लागू करे। अच्छा, आपने इन सब बातों को अगर देखा जाए और दूसरी तरफ आपने अपनी स्टोरी में सरिस्का में लगे आग का भी जिक्र किया था, तो जो आग सरिस्का में लगी और जैसे उसे बुझाया गया और छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, इन दोनों की तुलना आप कैसे करते? देखिए, सरिस्का पे और छत्तीसगढ़ में जो आगजनी की घटना हुई है उस पे मुझको बस हंसी इसलिए आ जा रही है क्योंकि जो हालात की गंभीरता है सरिस्का में गंभीरता दिखती है और छत्तीसगढ़ में चुटकुलेबाजी दिखती है। सरिस्का में जब आग लगी तो आप याद करिए, आग लगने के तीसरे दिन से सेना के जवानों ने वहां कमान संभाली, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई, मुख्य सचिव उस इलाके में पहुंचे, हेड ऑफ फॉरेस्ट उस इलाके में पहुंचे और आग पर 6-7 दिनों के भीतर लगभग काबू पा लिया गया। छत्तीसगढ़ का पूरा जंगल जल रहा है, सुकमा से लेके बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, गरियाबंद, अचानक मार के जंगल, टाइगर रिजर्व, सारे के सारे टाइगर रिजर्व में आग लगी हुई है। और मुझको अब तक एक भी खबर ऐसी नहीं मिली है कि राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के हेड ऑफ फॉरेस्ट, वन मंत्री, इन्होंने
कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए ही सही कोई गंभीर पहल की हो, या मैदानी अमले के साथ जाकर जो है आग बुझाने की जो कोशिश है उसके लिए कोई नीति नियत कुछ भी निर्धारित की हो, या मैदान में गए हो। यहां तक कि हमने जब हेड ऑफ फॉरेस्ट से बात की यहाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए आग तो हमेशा लगती है और ये जो हड़ताल पे गए हुए लोग हैं इनसे ये तो आग नहीं बुझाते, आग बुझाने का काम तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी करते हैं, तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, तो हमको इनकी कोई चिंता नहीं। तो ये गंभीरता समझ में आती है, ये चुटकुलेबाजी समझ में आती है कि आग को लेकर, जानवरों को लेकर, जंगल को लेकर और ओवरऑल क्षति। जी आपकी इसी बात से एक नया सवाल जहन में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार या वन विभाग तकनीक रूप से इन आग को बुझाने में कितना सक्षम। देखिए तकनीक के नाम पे हमने जब हेड ऑफ फॉरेस्ट से यहाँ बात की तो उनका कहना था कि मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि बहुत सारे इलाकों में, जिन इलाकों में मैंने जाकर देखा, तो वहाँ कर्मचारी झाड़ियों से जो है, जो पारंपरिक तरीका है झाड़ियों से और डंडों से जो है वो आग बुझा रहे हैं, कुछ एक इलाकों में जो है ब्लोअर मुझको दिखाई पड़ा जिससे वो पत्तियों को दो हिस्सों में बांटते हैं या आग लगने की जो संभावना है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आग लगने की जो आशंका होती है कि भाई पत्तियां या झाड़ियां आपस में जुटी हुई हो तो वो आग फैलेगी, तो उस आशंका को कम करने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ इलाकों में मुझको दिखाई पड़ा। मैंने जब हेड ऑफ फॉरेस्ट से बात की तो उनका यही कहना था कि देखिए वो ब्लोअर और बाकी तकनीक तो हमने केवल प्रयोग के लिए ही लिए हैं, आग बुझाने में तो वही तरीका काम आता है जो पारंपरिक तरीका है। तो मैं चकित हूं उनकी इस बात से लेके कि अभी ताजा तरीन जिस समय छत्तीसगढ़ में आग लगी हुई है उसी समय सरिस्का के इलाके में आग लगी हुई है और नए तकनीक से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके आग बुझाने की पूरी पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और उस दौर में अगर ये कहा जाए कि झाड़ी से और डंडे से जो है वो मार मार के जो है आग बुझा ली जाएगी, तो ये भी समझ में आता है कि सरकार इसको लेके कितनी गंभीर है। मोगा भी हिंदी से बात करने के लिए सर आपका शुक्रिया। ये सारे बेसिक सवाल थे, सवाल तो इसको लेके और भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतना कठिन है विषय और इतनी बड़ी त्रासदी है कि कुछ जवाब सरकार को भी देना चाहिए। तो हम सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी समय में हम लोग के लिए समय निकाला। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।